इंडियन रोड कंस्ट्रक्शंस को लेकर अमेरिका ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि इंडिया में जितने नेशनल हाईवे पिछले 65 सालों में नहीं बने हैं उससे ज्यादा अगले 2 सालों में बनकर तैयार हो जाएंगे। और इस तरक्की के पीछे किसी का हाथ है तो वो है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी। ये एक ऐसे राजनेता है जिनकी बुराई विपक्षी पार्टी भी नहीं करती। नितिन गडकरी जी का प्लान है कि 2024 तक इंडियन रोड्स को अमेरिका के जैसा एडवांस बना देंगे और इस काम के लिए वो इतने सीरियस हैं कि थोड़ी सी भी बड़ी पर कॉन्ट्रैक्टर्स को धमकी तक दे देते हैं। यहाँ तक कि वो अपने काम को इतनी ईमानदारी से करते हैं कि एक टाइम पर वो अपने ही फादर इन लॉ यानी कि ससुर के घर तक को गिरवाने से पीछे नहीं हटे थे। नितिन गडकरी जी कभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जांच करने के लिए अपनी गाड़ी तक को दौड़ा देते हैं, तो कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर हर एक मटेरियल की जांच करते हैं। अपने काम को लेकर ईमानदारी और लगन की वजह से उन्हें विकास पुरुष का इनाम भी दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। हमारा पहला है, नितिन गडकरी जी क्यों बाकी पॉलिटिशियन से अलग है। दूसरा, कैसे नितिन गडकरी जी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। तीसरा, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बेहतरीन रोड क्यों इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। हमारा चौथा और लास्ट है, नितिन गडकरी जी के कुछ ऐसे काम हैं जो आज भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन तक ले जाने में एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं। दोस्तों, नितिन गडकरी जी बाकी पॉलिटिशियंस काफी अलग है, जिनका मकसद जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रोवाइड करना है और देश के हित में काम करना है। उनका कहना है कि वो सिर्फ 20% ही पॉलिटिक्स के लिए काम करते हैं, बाकी का काम 80% वो सोशल वर्क के लिए करते हैं। और शायद यही कारण भी है कि पार्टी में उन्हें वो काम नहीं मिल सका जिससे वो असल में हकदार हैं। गडकरी जी आए दिन अपने ही पार्टी पर कटाक्ष करते रहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि राजनीति महात्मा गांधी के जमाने में एक सोशल मूवमेंट का हिस्सा रही थी। उस समय समाज के में कई फैसले लिए गए थे, लेकिन आज राजनीति का मतलब सिर्फ सत्ता में बने रहना है। इस चीज से वो इतने नाराज हैं कि एक बार तो उन्होंने यह तक कह दिया था कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि राजनीति छोड़ देनी चाहिए क्योंकि इसके अलावा भी जिंदगी में कई सारे ऐसे काम हैं जिन्हें किया जा सकता है। अब शायद ही किसी नेता ने कुर्सी छोड़ने या फिर अपने ही पार्टी के खिलाफ बोलने का साहस करता हो, लेकिन ये गडकरी जी ही हैं जिनके पास बिना पावर की चिंता किए गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत है। यानी कि उनके बयान पर एक बार पार्टी ने उन्हें पार्लियामेंट कमेटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। नितिन गडकरी जी हमेशा बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और जनता से कभी भी झूठा वादा नहीं करते। वो हमेशा कुछ ऐसा करते हैं जिससे देश और लोगों की भलाई हो सके। इसीलिए वो अक्सर कहा करते हैं कि अगर लोग मेरे काम को पसंद करते हैं तभी वोट दे वरना ना दे, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स के लिए ज्यादा झूठे वादे करने के लिए तैयार नहीं। अब जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि इंडिया पॉलिटिक्स हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल रही है और एक दूसरे के प्रति आरोप लगाना यहां के लिए आम सी बात है जो कि सोशल मीडिया से लेकर न्यूज तक हर जगह साफ तौर पर देखी जा सकती है। पर आपको बता दूं कि नितिन गडकरी जी कुछ ऐसे गिने चुने लीडर्स में से एक हैं जिनका ओपोजिशन भी सम्मान करता है, उनके कामों की हमेशा तारीफ की जाती है। कुछ पॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2014 में नितिन गडकरी जी प्राइम मिनिस्टर पद के लिए सबसे पसंदीदा कैंडिडेट थे, लेकिन बाद में नरेंद्र मोदी इन्हें पीछे करते हुए पीएम की रेस में आगे निकल गए। सरकार से इनकी खटपट की अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 2014 में जब सेंट्रल में बीजेपी की सरकार बनी तो उस समय नितिन गडकरी जी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को उनका जगह दे दी। जबकि ये बात सभी जानते थे कि देवेंद्र फडणवीस नितिन गडकरी जी से काफी जूनियर है। बीबीसी मराठी में काम कर चुके एक रिपोर्टर प्रवीण मधोलकर का कहना है कि पिछले 9 सालों में नितिन गडकरी जी की पोजीशन कम होती गई, लेकिन हम उनके कामों पर एक नजर डालें तो वो हमेशा से ही एक बेहतरीन काम किए हैं। अब जैसा कि हमने बात किया था कि ये ओपोजिशन पार्टी में भी काफी पॉपुलर है और विपक्षी पार्टी भी इनकी तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन आपको बता दे कि अगर नितिन गडकरी जी को अपोजिशन पार्टी का कोई काम अच्छा लगा तो वह भी उनका तारीफ जरूर करते हैं। जैसा कि एक प्रोग्राम में गडकरी जी ने पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की थी। उनका कहना था कि इकोनॉमी फॉर्म्स के जरिए देश को नई दिशा देने के लिए इंडिया मनमोहन सिंह का कर्जदार रहेगा। नितिन गडकरी जी अपने काम को लेकर इतने ज्यादा सीरियस हैं कि सड़क निर्माण के रास्ते में अगर उनके अपने ही फैमिली का घर क्यों ना जाए उसे तुरवाने से वो थोड़ी से भी हिचकिचाहट नहीं करते हैं। उनके जुनून को इस इंसिडेंट से समझा जा सकता है कि जब वो महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तब उनकी नई नई शादी हुई थी, तब उस समय एक रोड कंस्ट्रक्शंस के दौरान उनके अपने ही ससुर का घर बीच में आ गया। ऐसे में उन्होंने बिना अपनी पत्नी को बताए ससुर का घर तुड़वा दिया और फिर वहां से रोड निकाला गया। लेकिन वहीं अगर बाकी के नेताओं को देखें तो कईयों पर तो पावर में रहते हुए अपनों को फायदा पहुंचाने का केस चल रहा है। हमने नितिन गडकरी जी के रूप में एक ऐसा इकलौता नेता देखा है जिन्होंने देश और जनता के खातिर अपनों को भी बेघर करने से परहेज नहीं किया।
अगर हम 2014 तक का डेटा देखें तो हाईवेज कंस्ट्रक्शन की रफ्तार लगभग 2 किलोमीटर पर डे थी, जो कि नितिन गडकरी जी के पहले साल के ही कार्यकाल में बढ़कर 16.5 किलोमीटर पर डे हो गई और इनकी देखरेख में हर रोज 21 किलोमीटर पर डे हाईवेज का निर्माण होने लगा। लेकिन दोस्तों गडकरी जी यहां भी नहीं रुके और लगातार देश की सड़कों का डेवलपमेंट करने के लिए काम करते रहे, जिसका असर ये हुआ कि 2020 तक हर रोज 37 किलोमीटर हाईवेज बनाए जाने लगे। और गडकरी जी अपना सारा ध्यान रोड कंस्ट्रक्शन पर ही नहीं लगा रहे हैं, बल्कि वो लोगों की सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखते हैं। इसके अलावा गडकरी जी पोल्यूशन को कम करने के लिए ईवी कार्स को खूब प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों किसी भी देश के डेवलपमेंट में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए शहर और गांव में अच्छी सड़कों की कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ गडकरी जी का मानना है कि एक अच्छे रोड नेटवर्क के बिना हम देश के विकास के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हमें इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो उसके लिए पहले हमें रोड नेटवर्क और कारोबार को सही करना और बढ़ाना होगा। अब कोई भी कंपनी अपनी इंडस्ट्री सेटअप करती है तो सबसे पहले 4 चीजों को देखता है, रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन। एक अच्छा रोड हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में सबसे अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि जिस जगह इंडस्ट्री लगाई जाती है वहाँ इन्वेस्टमेंट आता है, इम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और बेरोजगारी काफी कम हो जाती है। नितिन गडकरी यूएस के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से काफी ज्यादा इंस्पायर है और उनका एक बात हमेशा दोहराते रहते हैं, कहते हैं कि अमेरिका इसलिए अमीर नहीं है कि वहाँ की सड़कें अच्छी है, बल्कि अमेरिका इसलिए अमीर है क्योंकि वहाँ की सड़कें अच्छी है। दोस्तों पिछले 8 सालों में जिस स्पीड से सड़कों का कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको देखते हुए नितिन गडकरी जी को स्पाइडरमैन की उपाधि से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने अपने मेहनत, ईमानदारी और लगन से जिस तरह से पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा दिया है, तब से वो लोगों को सुपर हीरो के रूप में नजर आते हैं। फिलहाल गडकरी जी भारत से सटी सीमा पर भी काफी तेजी से सड़कों का निर्माण कर रहा है, ताकि बॉर्डर तक अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके और इमरजेंसी के टाइम में सही वक्त पर मदद पहुंच सके। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किए बिना देश में डेवलपमेंट की कल्पना भी नहीं कर सकते। इन्हीं के ये आदेश पर भारत में 42 ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, जिससे कि ट्रैफिक को काफी हद तक कंट्रोल करके एक्सीडेंट को भी कम किया जा सके। साथ ही ये प्रोजेक्ट इंडिया को पोल्यूशन फ्री बनने वाले सपने को भी साकार कर सके। नितिन गडकरी जी के कार्यकाल में बन रहा इन सड़कों से शहरों की टूरिज्म में भी काफी इजाफा होगा, क्योंकि कम समय और कम खर्च में लोग अपने डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंच सकेंगे और इससे टूरिज्म इंडस्ट्री में आने वाले रेवेन्यू भी काफी इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों अगर इसी स्पीड से सड़कों का निर्माण होता रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। वैसे दोस्तों नितिन गडकरी जी के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते फिर से न्यू किसी अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय।